देखिए शादाब, जब मुझे याद है इवन PSL से पहले फर्स्ट टाइम वनडे कप में आया था फैसलाबाद में, तो उसने इनिशियली एक दो मैचों में अपनी बैटिंग पे बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करके मैच जिताया था। तो उस वक्त से मैं समझता हूँ कि उसमें जो बैटिंग का टैलेंट है वो बड़ा ज़बरदस्त है, स्पेशली वो फास्ट बॉल उसको बहुत अच्छा खेलता है, जिस तरह की टेक्निक है बैक फुट पर। तो आई थिंक मैंने तो हमेशा जब इस्लामाबाद में भी था, मेरे अंडर कैप्टनशिप में खेलता था, तो उसको नंबर 3 या नंबर 4 पे जहाँ सिचुएशन बनती थी उसको बैटिंग कराता था। आई थिंक वो उसकी उसमें बैटिंग के साथ उसकी बॉलिंग में भी मेरे ख्याल में बेहतरी आएगी उससे, क्योंकि आप जब कॉन्फिडेंस लेवल आपका बेहतर होता है तो वही कॉन्फिडेंस आप बॉलिंग में भी लेके जाते हैं। नो डाउट कि उसने एक दो मैचों में उस तरीके से बॉलिंग नहीं की, लेकिन लास्ट मेरे ख्याल में दो मैच में, जैसे लाहौर के खिलाफ और इवन जो लास्ट कराची के अगेंस्ट मैच था, आई थिंक उसने अच्छी बॉलिंग की है। होपफुली इंशाल्लाह कि वो अपनी बॉलिंग में भी बेहतरी लेके आएगा। और आई थिंक कि हमें चाहिए 3 डायमेंशन प्लेयर चाहिए, जिस तरह का वो फील्डर है, और अगर उसकी बॉलिंग और बैटिंग दोनों में वो कंट्रीब्यूट करता है तो पाकिस्तान के लिए, स्पेशली जिस तरह की वो पावर हिटिंग कर रहा है और जिस स्ट्राइक रेट पर खेल रहा है, आई थिंक मिडल में कहीं भी पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा यूज़फुल होगा T20 में। एक कोशिश करेंगे, हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट मैच है, और आई थिंक जो लास्ट गेम भी हुई है वी वर लकी जिस सिचुएशन से हम मैच जीते हैं। आई थिंक लाहौर बहुत अच्छा मैच खेली थी, और वो भी पूरी कोशिश करेंगे किस तरीके से वो पहला मैच अपना जीते। तो आई थिंक हमें इम्प्रूव करना है अपने आप को, स्पेशली हमारी जो बॉलिंग है उसको हमें थोड़ा सा बेहतरी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट जितने भी मैच हम हारे हैं उसमें हम डिफेंड नहीं कर पाए, तो आई थिंक उसमें काफ़ी बेहतरी की ज़रूरत है। देखिए काफ़ी लड़के हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, हमारी तरफ से आकिफ अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसके अलावा आमिर खान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, इमर्जिंग प्लेयर पेशावर से जो खेल रहा है, और उमर खान की बॉलिंग अभी 2 मैच में उसने बॉल की है तो वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आज़म खान ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है कुछ ऐसे लड़के हैं जो फ्यूचर में मेरे ख्याल में स्पेशली T20 फॉर्मेट के हवाले से पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो अवेलेबल हमारे पास स्क्वाड है उसमें हमारे पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, जस्ट मैटर ऑफ टाइम आप कह सकते हैं, और कुछ अच्छी पिचेस भी हैं, और स्पेशली बॉलिंग में आप जब डिफेंड कर रहे होते हैं तो ड्यू फैक्टर थोड़ा सा आ जाता है, जिसकी वजह से मोस्टली टीमें अगर आप देखें वो स्ट्रगल कर रही हैं, इवन 180 प्लस भी डिफेंड नहीं हो रहा स्पेशली नाइट मैचेस में। कोशिश कर रहे हैं कि उन चीज़ों पे काम करें, अपनी लेंथ्स को बेहतर करें, थोड़ा और कॉन्फिडेंस इन लड़कों का बहाल करें, ताकि ये डिफेंड जो टारगेट करना उसकी तरफ भी हमारी थोड़ी सी बेहतरी आए उसमें। ये ऑब्वियसली मेरे ख्याल में बहुत अच्छा खेल रहा है, और अच्छी बात ये है कि वो ऊपर आके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और मैच की जो जीतने में अहम रोल प्ले कर रहा है, और टीम की फिटनेस लेवल उसका बहुत बेहतर है। डेफिनेटली अंडर कंसिडरेशन, इस PSL के एंड पे देखेंगे कि जी पाकिस्तान के लिए किसको लेके जाना है आगे, एंड ऑब्वियसली बड़ी क्लोज आई है विकेट कीपर्स पे सारे पे कि कौन हमारे लिए बेहतर होगा T20 क्रिकेट में। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ऑब्वियसली हमारी तो यही ख्वाहिश है, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हमारे अपने प्लेयर जो इस लेवल पे खेल रहे हैं वो एटलीस्ट इस लीग में ज़रूर खेलें, प्लेइंग 11 का हिस्सा हों। बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि वो नहीं खेल रहे, बट लेट्स सी, एंड पे देखेंगे, वनडे टूर्नामेंट भी है उसके बाद, मे बी कुछ हम प्रैक्टिस मैचेस भी खेलें, देखेंगे कि किस चीज़ की हमें ज़रूरत है और किसको कहाँ हमें फिट इन करना है टीम के। ओके जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पाकिस्तान के जब से कोच बने हैं तो इस्लामाबाद को भी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सुपर लीग हो रहा है, हज़ारों की तादाद में लोग देखने आ रहे हैं, लेकिन कभी आपकी तनख्वाह और गुज़श्ता रोज़ एक टीम पर बैठकर आपके बारे में कहा गया जी लड़कों को लेकर आकर साजिशें करवाते रहे, आपने भी सुना होगा, तो इस तरह की चीज़ें आप क्या इस पर कमेंट करेंगे, ये टूर्नामेंट के दौरान अच्छी चीज़ें हैं? शुक्र है कि मुझे नहीं पता, मैं ये चाहता हूँ मुझे ना ही पता हो, मैं अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करूँ। मिस्टर भाई, शादाब खान को कप्तान बनाया इस्लामाबाद ने।